ड्रग्स मामले में जब से दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है, हर कोई चौंक गया है। अब वैसे मैं आपको बता दूं कि एनसीबी के ऑफिस से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन तीन बार फूट फूट कर रोने लगी है। नमस्कार, मैं हरदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। आपको बता दूं यहाँ पर कि दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रघुप्रीत सिंह, इन तीनों, इन चारों का ही फोन जो है वो एनसीबी ने जब्त कर लिया है। और पूछताछ के दौरान आपको याद होगा, रणवीर सिंह ने जो थी एक गुहार लगाई थी एनसीबी से कि उन्हें ऑफिस में रहने की इजाजत मिले, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। और दीपिका पादुकोण अकेले ही एनसीबी के ऑफिस पहुंचे पूछताछ के लिए, और पूछताछ के दौरान जो है उन्होंने ड्रग्स लेने की बात से इनकार किया है, लेकिन चैट्स के लिए उन्होंने हामी भी भरी है कि हाँ ये चार्ट्स हैं वो रियल हैं। इस चीज के लिए उन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन यहाँ पर वो इस बात का भी दावा कर रही हैं कि उन्होंने कभी ड्रग्स का सेवन किया ही नहीं है। तो इस तरीके की बातें जो है वो एनसीबी के सामने आई हैं। साथ ही दीपिका पादुकोण इंटरोगेशन के दौरान जो है वो काफी बार रो चुकी थी, तो उस पर जो ऑफिसर उनसे पूछताछ कर रहे थे उन्होंने कह दिया कि आप हमारे साथ में इमोशनल कार्ड जो है वो प्ले मत कीजिए, यहाँ पर जो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं आप उन सबके सिर्फ हमें जवाब दे दीजिए। तो ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग को क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चाल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।